हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से और एक बार स्वागत करते हैं आपको अपने दूसरे फ्लूट में। आज इस वीडियो में हम अलग अलग नोट को प्ले करेंगे अपने फ्लूट के अंदर और उनको एक के बाद एक सजा के एक सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये बहुत ही कॉमन सॉन्ग है, आप इसको काफ़ी बार सुने होंगे। ये 90s का यानी कि कुछ पिछले दौर का, पर बहुत ही पॉपुलर है। हर कोई एक फ्लूट ये फ्लूटिस्ट जो है इसको प्ले करना चाहेगा, उसी हिसाब से ये फ्लूट का वीडियो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम पहले जो सॉन्ग का शुरुआती दो लाइन है उसको आज इस फ्लूट में, ई वेस फ्लूट में बजाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होगा, आप इसको बिल्कुल एंड तक देखें और सीखें और घर में ट्राई कीजिए। जो आपको आपका बोरिंगनेस जो आपके फ्लूट में फील होता है जब आप फ्लूट प्रैक्टिस करके बोर हो जाते हो कि एक ही सरगम नोट्स प्ले करते करते बोर हो जाते हैं, तब इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मध्य सप्तक में प्ले किया गया है और कुछ हद तक आपको तार सप्तक के यूजेस या फिर दो लाइन में पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपने जान चुके हैं तो अभी बहुत ही इजी होगा। तो अच्छी एक वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा ही वीडियो हम अब से लाएंगे जहाँ पे आपको फ्लूट सीखने के साथ साथ गाने को कैसे फ्लूट में बजाए जाते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एक छोटा सा ब्रेक के बाद। दोस्तों, फाइनली सबसे पहले हम बजाने की कोशिश करेंगे धानी सा गागा, ठीक है, धानी सा गागा। तो आपको मध्य सप्तक में आप ईवीएस फ्लूट में कैसे धा बजाएंगे, नी बजाएंगे, सा बजाएंगे और गा बजाएंगे वो दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ तक दो लफ्जों की, ठीक है, की बजाने के लिए यहाँ पर आपको गा को दो बार फूटना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि दो बार नहीं, सिंगल बार ही आप इसको फूकें, पर इसको टाइम लिमिट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, फिर आप लौटिए, फिर से जहाँ से शुरू किए थे धा वहीं पे। और यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एयर लो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो धा बजा रहे हैं उसमें थोड़ा एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर और एक बार हम मध्य सप्तक में गा को प्ले करेंगे। देखिए सुर से, हम धामी और एक बार जाएंगे। देखिए शुरू से, ठीक है, दो बार। तो धानी सा गा 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 रे। तो देखिए, वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से लौटेंगे रे पे और गा पे, ठीक है, शुरू से। Yeah.
करके माँ बजाने की कोशिश कीजिए तो जो साउंड है वही आपको परफेक्ट साउंड लगेगा। ठीक है, ऐसे कीजिए यानी कि नी का शार्प नोट जो है यहाँ पे वही भजन है। ठीक है, फिर था बजेगा फुल था। तो देखना ये जो सॉन्ग आपने नोट्स हैं इन नोट्स को प्ले करके ही आप ये जो गाना है इसका दो पहला लाइन आप इजीली बना सकते हैं। तो बोर्डिंग मिक्स कटाने के लिए आपको कभी कभी फ्लूट में ये सारे प्रैक्टिस भी करना होगा। तो फिर से और एक बार देख लेते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको सच में इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्लूट आप घर में बना भी सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं और ये वीडियो देख के आपको फ्लूट बजाने का मन कर रहा है तो फ्लूट आप घर में बजा सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं। हो सकता है आपके वहाँ फ्लूट अवेलेबल नहीं हो बट आपका शौक़ है तो आप पीवीसी पाइप जो होते हैं उसके हिसाब से मैंने मेज़रमेंट डाल के रखे हैं अपने चैनल में, उन सारे देख के आप अपना फ्लूट बना भी सकते हो। नोट्स जो हैं हम आज से रेगुलर ऐसे टाइप के नोट्स भी देंगे जहाँ पे आप छोटे छोटे गानों के पहले पंक्तियाँ पहले जो धुन हैं उनको बजा सके, इस हिसाब से वीडियोज़ आएंगे कैसे आपको फ्लूट ब्लो करना है। फ्लूट बाजार से लेने के बाद वो ट्यून में नहीं होता है तो उनको ट्यून कैसे करें उसके ऊपर भी वीडियो है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देख के सीखें जाने परखें और अपना जो शौक़ है उसको पूरा करें। सबसे एंड में एक छोटा सा टक्स देते हैं जो आप अगर प्ले करते हैं तो आपको सा सा पा रे पा मा पा धा पा इन सारे जो नोट्स हैं इनमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हाथ नहीं अटकेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है फ्लूट को ऐसे पकड़ें
आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ये जो हमने अभी दिखाया इसमें बेस है पा, ठीक है, पा को बेस में, यानी कि जहाँ पे भी आप जो भी बजा रहे हो वहाँ से आपको डायरेक्टली लौटना है पा पे, ठीक है। इस ऐसे ही आप माँ को बेस बना सकते हो, ऐसे रे को बेस बना सकते हो, ऐसे ही गा को धा को बना के हर एक नोट के आगे के हिस्से और पीछे वाला जो हिस्सा है उसको बजाने की कोशिश करें बार बार रिपीटेडली, और धीरे धीरे आपको पता चल गया होगा कौन सा होल पकड़ के कौन से साउंड आते हैं, उसके नाम क्या है, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी कुछ नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लेसन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि टोटल सॉन्ग का एक सिलेबस हमने दे के रखे हैं, उसको आप एक स्टेप बाई स्टेप सीखे जाने अगर यहाँ तक आपको आता है। थैंक यू अगेन, नमस्कार।